रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है गाइस? आप लोग ठीक है? सब खैरियत है? चलें जी, आज मैंने दाल माश बनानी है, तो जाहिर है बच्चे तो दिल से दाल माश खाएंगे नहीं, दालें खासकर, तो इस वजह से मैंने कहा चलें आज दाल माश के साथ मैं बना लेती हूँ शामी कबाब चिकन के। आप इसमें कुछ भी यूज़ कर सकती हैं, छोटा गोश्त, बड़ा गोश्त, कीमा, बोनलेस, जो भी दिलों में पास चिकन है, और चिकन के साथ ही मैं बना रही हूँ आपके लिए शामी कबाब। उसमें जो मुझे चीज़ें चाहिए वो आप देख लीजिएगा। चने की दाल है वो एक पूरा बॉल में भरा हुआ है और भिगोई हुई है। दो प्याज हैं, लहसुन है, अदरक है, और एक किलो से थोड़ा सा कम है और बोनलेस वो है, और एज यूजल शामी कबाब का मसाला। आप मेरी पुरानी रेसिपी भी दे सकती हैं, उसमें मैंने घर के मसालों में बनाई है, तो जो आपको मुनासिब लगता है उसमें आप बनाइएगा शामी कबाब, डब्बे में या आप मतलब ब्रांड में या फिर आप घर के मसाले जो दिल हो। तो चले शुरू करते हैं। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ साथ रेड बटन जरूर दबाइएगा ताकि आपको नई से नई वीडियो मिले और मैं आपके साथ जुड़ी रहूँ और आपको नई से नई रेसिपी मिलती रहे। लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइएगा, इससे हौसला अफजाई होती है कि आप लोग अच्छे तरीके से सीख रहे हैं कुछ ना कुछ। आज के न्यू बच्चे जो हैं वो बहुत कम किचन की तरफ आना होता है, लेकिन जब भी बनाएं तो मज़ेदार का बनाएं। चलें ठीक है, ओके शुरू करते हैं जी। मुझे एक अदद कुकर चाहिए और इसमें जो मैंने दाल भिगोई हुई है तो ये मैंने डाल दी है इसमें, और साथ हम लेंगे बोनलेस, फिर हम डालेंगे सारे मसाले, तब प्याज, लहसुन, अदरक, और फिर हम इसमें डालेंगे पूरा पैक शामी कबाब शान के। तो जिस तरह आपको पसंद है मसाला तेज कम, तो आप उस तरह डाल सकते हैं। तो मैं ये पूरा डाल दूँ पैक। मुर्गी तो जल्दी गल जाएगी, मसाले भी, लेकिन दाल का थोड़ा सा इशू है, तो मैं एक गिलास एक जग पानी का ले रही हूँ ताकि मेरी दाल अच्छी तरह गल जाए। अब मैं इसको बंद करती हूँ, सीटी लगाती हूँ और 20 मिनट्स के बाद फिर आपसे मिलते हैं। ओके, ये बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब हम इसको मशीन में करेंगे। अगर आपके पास मशीन नहीं है ग्राइंड करने के लिए, तो आप वो ठंडा सोडा जो होता है उस पर भी आप कर सकते हैं। तो ये देखें काफ़ी भाप आ गई है, तो ये मैं अब इसको मशीन में मिक्स करती हूँ। मशीन मेरी तैयार हो चुकी है और मैं ये डाल रही हूँ सब्ज़ धनिया जो है ना, बस क्या कहूँ मैं आप लोगों के हांडी में हर चीज़ में इतनी ज़बरदस्त और परफेक्ट आपकी हांडी लगती है कि आप कहते हैं बस इसे डाल दो तो जान आ जाती है। ये और एक सब्ज़ मिर्चें, मज़ा आ जाता है। तो चलें अब हम गोश्त और चने की दाल वगैरह सब डालते हैं इसमें।
अंडा। इसी में हम मिक्स कर लेंगे इसको। मैं इसमें दो अंडे डाल रही हूँ ताकि हमें तलते हुए अंडे डालने की ज़रूरत ना पड़े। गाइस ये 15 मिनट के लिए मैंने फ्रिज में रखा था। अब ये बहुत ही अपनी ज़बरदस्त जगह पर आ गया। अब हम इसकी टिक्कियाँ बनाते हैं और साथ तलते हैं। खूबसूरत कलर आ गया है और अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ये जी मेरी डिश तैयार हो गई है। अभी इसे हम सर्व करते हैं कुछ इस तरह। आपको मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसी लगी आपको। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा ताकि नई से नई वीडियो मिल सके। तो इंशाल्लाह एक और नई वीडियो के साथ आऊँगी। दूसरा ये कि मेरे चैनल पे विज़िट भी ज़रूर कीजिएगा। इससे और अच्छी से अच्छी रेसिपी आपको मिलेंगी। इससे मुख्तलिफ़ डिशेस मैंने बनाई हैं ताकि आपको आसानी हो बनाने में। तो आप ज़रूर मेरे चैनल को विज़िट करें और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरे शामी कबाब कैसे लगे और साथ दाल माश। और दाल माश भी मेरी रेडी है। लंच मेरा एवं तैयार है। तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी साथ दाल माश के साथ शामी कबाब? बहुत ही मज़े का है कि आप दाल माश के साथ शामी कबाब बनाएं। तो चलें इंशाल्लाह एक और नई रेसिपियों के साथ आपके साथ आऊँगी। इससे भी मज़े मज़े की ठंड आ रही है और ये ठंड के साथ मज़ा भी बहुत आता है। और दाल माश की जो जीनत होती है वो थोड़ी सी मक्खन और घी के साथ होती है। तो ये मैंने थोड़ा सा घी भी डालती है। कैसा? चलें ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं आपके फीडबैक का बहुत बेचैनी से इंतज़ार करती हूँ क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आपके आते हैं। चलें इंशाल्लाह फिर एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।